में आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बढ़ोतरी नियमितीकरण समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने और आंदोलन की चेतावनी दी। समस्त आशा एवं उषा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं के वेतन तथा अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु आपसे अनुरोध किया एवं अपने परिवार के जान जोखिम में डालकर कोविड महामारी का संक्रमण रोकने के लिए काम कर रही हैं। संपूर्ण आशा उषा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि पेंशन दी जाए। सर, हम पिछले सप्ताह 20 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, जिला छिंदवाड़ा ब्लॉक पांडुना से नर्मदा ठाकरे ब्लॉक अध्यक्ष। हमारी मांगे सरकार से यही है कि हमें आशाओं को 18,000 दिया जाए, सहयोगी को 24,000 दिया जाए और हमको नियमितकरण में लिया जाए, क्योंकि शासन ने हमें पूरा 16 साल तक हमारा शोषण किया है। हमारा शोषण करने की भी एक हद हो चुकी है। हमने पूरे एक मैदानी स्तर पे ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं किया हो। हर विभाग का काम हमसे लिया जाता है। हर विभाग का काम लेने के बाद कोई भी अधिकारी पदाधिकारी आता तो हमें पूछा जाता है, पर जब हम हमारी मांग मांगने के लिए, हमारा हक मांगने के लिए हमें यदि खड़े होते हैं तो हमें बोलते हैं कि तुम तो सरकारी कर्मचारी भी नहीं हो या तो तुम तो मजदूर के बराबर भी नहीं। तो सरकार से हम यही मांगना चाहते हैं, यही पूछना चाहते हैं कि हम है क्या, हम कौन सी विभाग से, हम पंचायत के कर्मचारी है तो हमको पंचायत का क्या नाम दिया जा रहा है। अगर हम यदि सरकारी कर्मचारी नहीं है तो फिर सरकारी काम क्यों लिया जा रहा है। हम NRHN के कर्मचारी नहीं है तो हमें वेतन कौन दिया, कौन कहाँ से दिया जा रहा है। हमें तो ये तो समझाना चाहिए, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। काम हर विभाग का लिया जा रहा है और कोई आता है तो बोलते तुम सरकारी काम कर रहे हो। हमारा हक का समय आता है तो बोलते हैं कि तुम मजदूर के बराबर भी नहीं हो। गवर्नमेंट यदि एक मजदूर को 200 रुपए देती है, घास काटने वाले को भी मनरेगा के अंदर अगर उसके मजदूर की 200 रुपए अगर मजदूरी है तो उनसे 8 घंटे में 200 रुपए सरकार दी जाती है। सरकार यदि 200 रुपए मजदूर दी जाती है तो हमको जो हमसे 24 घंटे काम लिया जाता है तो सरकार हमारा 200 रुपए हिसाब से कैलकुलेशन लगाए 8 घंटे का तो 24 घंटे का 200 रुपए मजदूरी के हिसाब से हमारे 24 घंटे में जितना बनता है हमें वो हिसाब से हमको पेमेंट दिया जाए। हम सरकार से हमारी यही लड़ाई है। हमारी 85,000 कार्यकर्ता है अभी प्रदेश के अंदर पूरी हड़ताल पे बैठे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। हमें 3 महीने बैठना पड़े चाहे 4 महीने बैठना पड़े, इस बार हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे, क्योंकि हमारे हम जब हक मांगने के लिए अब तैयार हुए हैं तो हमें निकालने की धमकी दी जाती है। यदि हमको सरकार ने रखा ही नहीं है तो धमकी किस बात की दी जाती है, और रखा है तो हमारा वेतन का है। हमको जवाब चाहिए इस बार। अगर हमें जवाब नहीं देंगे तो हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि शांति प्रिय हम मांग मांग के थक चुके हैं। हमको 16 साल से शासन इतना शोषण कर रही है कि 24 घंटे हम हमारे बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, पूरे परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे। हमारे यहाँ कोई मैयत भी होती है, मेरी खुद की मम्मी की डेथ हुई थी, मुझे दूसरे दिन बोला।